बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशी नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो मैं अपने घर में आया हूँ, तो रात में पहुँचा था तकरीबन 8:30 बजे। तो अचानक से छुट्टी ली है मैंने, तो ये रास्ते पड़े थे तो इसको मैंने जलाया अभी, जो पाए थे और एक सीरी थी, तो अभी जला के इसको फारग हुए हैं। तो अभी उसको धोने के लिए बाल्टी में रखा हुआ है पानी डाल के, तो वो घर वाले धो देंगे। तो मेरा इरादा है अभी मुल्तान जाने का, कुछ काम है थोड़ा सा, तो वो सिर्फ मुल्तान जाना है और वो छोटा सा काम है, वो करके वापस आना है। तो फिर उसके बाद इसको काटना भी है, तो वो वापसी पे ही देखेंगे, जब हम वापस आएंगे फिर काटेंगे। तो अभी सिर्फ मुल्तान जाना है, तो उसकी तैयारी है मेरी मुकम्मल, दोस्त से भी बात हुई है, साथ उसने भी जाना है। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर तक। ये जी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है अभी। मैं अभी तकरीबन थोड़ी सी देर पहले वापस आया हूँ मुल्तान से, तो इतना टाइम नहीं है। अचानक से बादल आए हैं और अचानक से जल्दी जल्दी से बादल आए हैं और फौरी बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये अच्छा हुआ है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ चुका हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा काम है, वो जो हम पाए सुबह जला के गए थे वो भी काट रहे हैं अभी, वो थोड़ी सी देर तक काटते हैं अभी। पहले पाए काटे हैं, पाए काटने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा कुछ मूड बना है, बाहर का माहौल बहुत खूबसूरत, मौसम था क्यों बादल हो रहे हैं, दोपहर उस वक्त बारिश भी आई थी, तो अभी भी बारिश का मौसम है, बादल थे। तो मैं बाहर आया हूँ ज़मीनों की कुछ सूरत हाल देखने के लिए।
तो अचानक से बारिश शुरू हो चुकी थी, तो अभी फिर थोड़ी सी रुकी है, हल्की हल्की सी कनिए सी आ रही हैं। तो इरादा यही है कि अभी वापस चलते हैं, क्यों किसी टाइम भी बारिश, क्यों पहले अचानक से बारिश तेज़ हुई है तो अभी भी कुछ पता नहीं है किस टाइम बारिश अचानक से तेज़ हो जाए। अभी वापस चलते हैं क्यों ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, कुछ हवाएं ऐसी चल रही हैं और बारिश की वजह से भी कुछ ठंड ज़्यादा हो रही है। ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी गंदम है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आगे भी हमारी है गंदम है, तो काफ़ी दिन के बाद चक्कर लगता है, तो ये जो मंज़र है काफ़ी खूबसूरत लगता है। पिछली दफ़ा जो मेरा चक्कर लगा है इधर घर में, तो वो भी बारिशों में लगा था, ज़मीनों में भी मैं जब आया था तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। तो इस दफ़ा भी जो आया हूँ तो बारिशें शुरू हैं, आज ही शुरू हुई हैं, तो हल्की हल्की सी हो रही है सुबह से। ये कॉल आ रही है, लगता है मुझे घर से आ रही है, अभी देखते हैं किसकी कॉल है। घर से कॉल आई थी अभी, तो मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ, क्यों कुछ काम है इसलिए उन्होंने घर वापस बुलाया। तो अभी जल्दी जल्दी से घर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है आगे। जब मैं आया था वो दूसरा रास्ता था, उस तरफ था बन्ना सा बना था जो गांव में ज़मीनों में, उस तरफ से आया था। तो अब ये सड़क से जा रहा हूँ घर की तरफ, ये सीधी सड़क घर की जाती है। ये जी हमारा शाम का खाना है, कोफ्ते बनाए हुए हैं, ये बतख के गोश्त के कोफ्ते बने हैं और साथ रोटी है। अभी खाना खा के फारिग हुए हम, तो ये बतख का जो गोश्त होता है, हमारे बतखें काफ़ी हैं, आपने देखी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो गोश्त भी माशाल्लाह काफ़ी निकलता है इनमें से, और बकरे की तरह इनका गोश्त होता है। तो उसमें से बोनलेस गोश्त निकाल के उसके कोफ्ते बनाए थे हमने, काफ़ी मज़े के बने हुए थे। तो जो इसका जायका था वो बिल्कुल बड़े की गोश्त की तरह था। तो सर्दी काफ़ी है, तो मैं अपने बिस्तरे में हूँ, ये रज़ाई है, तो इसमें बैठा हूँ। क्यों बाहर हो रही है बारिश, मैंने मौसम आप दोस्तों को दिखाया था बाहर का जो था, तो अभी बारिश हो रही है, बारिश भी काफ़ी टाइम से हो रही, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है बारिश हो रही है। तो बस अभी थोड़ी सी देर देखते हैं मोबाइल को, तो बस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।